वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना के इजलास में नौ निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजमान की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम अहमद उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। दो रोज तक आम बैरिक में रखा जाए, इसके बाद सख्त सिक्योरिटी में सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाए, जहां अहले खाना सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सके। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। मोदी सरकार की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहंदी शाह रिजवी ने हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सोशल मीडिया पर पुलवामा वाके पर सवाल उठाने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, भारत के अपने लोग कहते हैं, पुलवामा वाकया मोदी ने खुद करवाया। भारत के अपने फौजी मोदी के जंगी जुनून को बेनकाब कर रहे हैं। वोट लेने के लिए मोदी भारत में खुद दहशतगर्दी करवाता है। हिंदुत्व के पैरोकार मोदी की क़यादत में भारत दहशतगर्द मुल्क बन चुका। और एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पेश कर दी। कौन करप्शन कर रहा है, आप रिपोर्ट देख लें। हमने करप्शन कम की और कौम की खिदमत की। नैब कयामत के दिन तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकता। फाजिल जज बोले, ये तो अच्छी बात है, आप बरी हो जाएंगे। प्रोसिक्यूशन का शहबाज शरीफ की सियासी बातों पर एतराज कर दिया। अदालत का आइंदा शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में सियासी बातें करने से परहेज करने का मशवरा।